न्यूज़बैक्स में आपका खैर मकदम है। बात करेंगे हम उन ड्राइवर हजरात की जो सुबह से लेकर शाम तक अपनी रोजी रोटी जो कमाने के लिए निकलते हैं, उन पर क्यों या बार बार उन पर जुल्म क्यों किया जा रहा है, जानने की पूरी कोशिश करेंगे हम। संभल के सोमो स्टैंड से मेरे साथ एक ड्राइवर है जिसका नाम तारिक अहमद है। तारिक अहमद से हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं अपने कैमरा पर्सन से पहले कहता हूँ कि आप इस सोमो का नंबर दिखाइए और आप स्क्रीन पर दिखाइए कि तारिक अहमद के साथ जो है आज लगभग 2:33 पर एक यानी कि 2:33 पर उससे जुर्माना किया गया। जानने की पूरी कोशिश करेंगे तारिक साहब से, क्योंकि तारिक साहब वाहिद एक ऐसा बंदा है जो सुबह से लेके शाम तक अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए संभल से बांडीपुरा, बांडीपुरा से संभल रोजी कमाता है। लेकिन कहते हैं ना कि अहमद की टोपी मामद के सर, यही हुआ है। तारिक साहब न कभी बारामूला गया है, न उसकी गाड़ी कभी गई है, यह तो चलता है। सिर्फ इसकी गाड़ी जब चलती है सिर्फ संभल से लेके बांडीपुरा तक चलती है, लेकिन जिसे हम चालान कहते हैं। उनके ऑफिस से एक चालान आया है तारिक साहब को, और मैं आपको दिखाऊंगा वो चालान भी। पहले हम बात करते हैं तारिक साहब से, आप देखिए किस तरीके से तारिक साहब उनसे जाने की कोशिश करेंगे। क्या सुना बहुत चलान सोमो चलान सोमो चलान सोमो टू बांडीपुरा टू संभल गाबेगा कुन सत फेरस श्रीनगर शालटिंग तान या गो मंडी तान मगर बारामूला मीन गाड़ वनिस तंग गई ड्राइवर से पानी चलान पानी ऑनर बहुत आज द्रमुत साढ़े नौ बहुत द्रमुत आज सुबह बहुत बांडीपुरा कुन रवान गुमत यम पैसेंजर हेत मुलाजमिन हेत मे आज आ डोड़ बजे बहुत तति वो ठहरत पनस बार प्यारा वापसी पे तो बहु तति प्यारा मे आई मैसेज पनस मोबाइलस ऐसा सा गई फाइन 1500 रुप न कि बहुत बांडीपुरा बहुत एयरटीओ बारामूलस जुल्म नाइंसाफी अगर अस फाइन गो वजूहत क्या चालान आव मे बारामूला ट्रैफिक पुलिस पे बहुत यह कर तुंद वसादत अत गए बार बार ग मे रसीद चंगी अजुक ड्यूटी स्लिप चलो पहले मैं आपको दिखाता हूँ म्यूनिसिपल काउंसिल बांडीपुरा का। जब इसको एक चालान वहाँ से आया है, चालान की मैसेज आई है, तो तारिक साहब आपको डॉक्यूमेंट दिखाते हैं। आप देखिए मेरे हाथ में ये पर्ची है, कैमरा पर्सन भी कहता आप दिखाइए, देखिए किस तरह से हमारे ड्राइवर हजरात को जो है बताया जा रहा है कि आप पर चालान हुआ। और मैं आपको दिखाऊंगा पहले और एक ये स्टैंड की जो स्लिप है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिए तारिक साहब हमें दिखा रहा है और हम स्क्रीन पर ये शो करते हैं। आप देखिए किस तरीके से तारिक साहब को लूटा जा रहा है, क्योंकि मैं इसको लूट ही कहूँगा, क्योंकि वसादत ये चलने वसादत से तय कर पुरजोर गवर्नमेंट बहुत दपा वनकस या दौरस मे अनपढ़ लुक वन सड़कन पे बीत एम ए बीएड बीएड ग्रेजुएट चलाना वनकस गाड़ी पढ़ा लिखा बहुत दपा मनो सेनस यहाँ डिसमिस कर जाए गमे ड्राइवर हजरात इन एडजस्ट कर ताकि दोबार ग बेकिस सत्य नाइनसिफी वनो यह चालान गो यह महकम यह मे कर ट्रैफिक पुलिस अनपढ़ पी ग चालान मशीन चलान क्या अच्छे पढ़ा लिखा मे बसा अगर अस ड्राइवर हजरात अत जाए कर एडजस्ट अं न गे नाइनसिफी गे बेकिस सत्यम वनकस अस सरान ना माहौल बिगाड़न यम पढ़े लिखे वनकस जवान यम अत रगब सनत सम कार कर हलाल रोजी गम कम बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ ड्राइवर साहब तारिक साहब जो संभल से बांडीपुरा तक अपना सोमो जो है रवा दवा करते हैं दिन में और अपना रोजी जो कमाते हैं। लेकिन आप देखिए मैं SSP ट्रैफिक से ये गुजारिश करता हूँ कि फील्ड 4 या बांडीपुरा के बारामूला के जो ट्रैफिक के आला अहदेदार हैं उनसे हम इन लोगों की तरफ से गुजारिश करते हैं कि फिर फोर इस पर कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि हमारे लोग जो है मुसीबत ना सह सके। और मैं आपको ये बार बार बताता चलो और बताता रहूँगा, जिस तरीके से हमारी पढ़ी लिखी यूथ जो है आज वो सोमो चलाते या ऑटो चलाते लेकिन उनके साथ क्यों नाइंसाफी की जा रही है। मैं एक बार फिर SSP ट्रैफिक या जो ट्रैफिक के आला अहदेदार हैं
उनसे गुजारिश करते हैं कि इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि हमारा जो आवाम है वो मुसीबत ना सह सके। आप बने रहिए जेके न्यूज़ ब्रेक्स के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।